सर पाठ आठ गुलमर्ग की खिड़की से एक रात। इनके लेखक है मोहन राकेश। यह पाठ एक यात्रा का वर्णन जैसा है। गुलमर्ग एक काश्मीर में एक सुंदर प्राकृतिक स्थान है। मोहन राकेश का जन्म सन 1925 ईस्वी सन और निधन सन 1972 ईस्वी सन। मोहन राकेश का जन्म जालंधर पंजाब में हुआ था। इनके पिता व्यवसाय से वकील थे, परंतु उनकी साहित्य में बहुत रुचि थी, अतः राकेश को बचपन से ही घर में पर्याप्त साहित्यिक वातावरण प्राप्त हुआ। इन्होंने हिंदी तथा संस्कृत में एमए तक शिक्षा प्राप्त की और तत्पश्चात डीएवी कॉलेज जालंधर में हिंदी विभाग के अध्यक्ष के रूप में अध्यापन कार्य किया। कुछ समय तक इन्होंने सारिका कहानी पत्रिका का सफल संपादन किया और बाद में स्वतंत्र लेखक करते रहे। कहानी लेखन के साथ साथ इन्होंने उपन्यास और नाटक भी लिखे थे। इनकी प्रमुख रचनाओं में इंसान के खंडहर, नए बादल, एक और आदमी आदि कहानी संग्रह तथा अंधेरे बंद कमरे, न आने वाला कल यह प्रसिद्ध उपन्यास है। अषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे तथा लहरों के राजवंश इनके प्रसिद्ध नाटक है। मोहन राकेश मूलतः एक सफल कहानीकार तथा नाटककार है। गुलमर्ग की खिड़की से एक रात परिवार से लिया गया है। इस यात्रा वृत्तांत में लेखक ने गुलमर्ग के प्राकृतिक सौंदर्य का स्वानुभूत विवरण प्रस्तुत किया है। गुलमर्ग का सारा वातावरण इनको अपने में समाया सा लगता है। गुलमर्ग की एक रात का अकल्पनीय सौंदर्य इनसे भुलाया ही नहीं जाता। अभी लेखके गुलमर्ग नु बधुज दृश्य, त्या केवी हवा छे, केवा वातड़ो छे, केवी वनस्पति छे, केवा झरणा छे, सृष्टि केवी देखाय छे, ए बधुज पोते पोतानी जाते पोतानी नजर दीठे यात्रा नु वर्णन अही बतावेलु छे। गुलमर्ग गया पछी એને કેવો અનુભવ થયો, એને દુનિયામાં ક્યાંય પણ આવું દ્રશ્ય જોયું નથી, એ પ્રમાણેનું એને ત્યાં જોવા મળ્યું તો એનું જ બધું વર્ણન છે અહીં। કુછ જગહે હોતી હૈ જિન્હે આંખ એક બાર દેખતી હૈ તો ચોંક ઉઠતી હૈ, ફિર ધીરે ધીરે પરિચિત હોકર ઉદાસીન હો જાતી હૈ। ગુલમર્ગ એસી जगह नहीं है। मैं जब पहली बार गुलमर्ग गया तो मुझे वहां कुछ भी असाधारण नहीं लगा। एक खुला सपाट मैदान, देवदारों के घने झुरमुट और बस। तब मैं घंटे भर में सारा गुलमर्ग देख आया था, मगर बाद में महीनों वहां रहने पर एहसास हुआ कि पहली बार तो क्या, बाद में भी कभी उस स्थान को पूरा नहीं देख पाया, उसे पूरा कभी देखा ही नहीं जा सकता। शायद यही कारण है कि गुलमर्ग में रहकर वहां के साथ व्यक्ति की आत्मीयता धीरे धीरे इतनी गहरी हो जाती है कि वह अपने को भी उस सपाट मैदान के एक हिस्से के रूप में ही देखने लगता है। कांपती तितलियों, उठते बादलों और बर्फ से
एहसास होता है अपने से ही बिछुड़ने का, अपने उस रूप से जो कि इतना परिचित होते हुए भी सदा अपरिचित बना रहा जाता है। अहीं लेखक कहे छे कि जारे हूँ पहली वक्त गुलमर्ग गयो त्यारे त्यां कई आकर्षण मने लाग्यू नहीं, पण बस मात्र ऊंचा ऊंचा देवदारना वृक्षों अने खूब सपाट लांबा मोटा मैदानो बाकी कई जोवा मळ्युं नहीं एम लागतुं हतुं। पण पछी तो ए घणा महिनाओ सुधी त्यां रह्या अने त्यांना वातावरणने माण्युं जोयुं त्यांनो सूर्योदय अने सूर्यास्तनो समय पहाड़ों जाने खूब चमकता होय एवा चमकता पहाड़ों पतंगियाओ उड़ता होय ते वादळो नीचे थी आकाश तरफ जता होय ते अने बरफ थी ढकायेला पहाड़ों आ बधुं खूब सुंदर रीते त्यांनो सौंदर्य एने जोयुं त्यारे एने खबर पड़ी के अहींनी आ सृष्टि अहींनी कुदरत એનું સૌંદર્ય તો ખૂબ જ સુંદર છે। ગુલમર્ગ મેં સપને ફૂલ બનકર ઉગતે હૈ, હરિયાલી કે આરપાર લાલ લાલ છતો કે ઉપર આકાશ મેં આંખે મુગ્ધ હોકર દેખતી રહેતી હૈ, ઓર ફૂલો મેં નયે નયે રંગ ભર જાતે હૈ, વાતાવરણ મેં નયી નયી કોકલે ફૂટ આતી હૈ, હર ક્ષણ એક નયો અનુભવ નયી રોમાંચ होती है। बादलों के पोर्टिको के नीचे लोग बाहें फैलाए घास पर बैठे हैं, दूर दूर तक सैलानियों की पंक्तियां घोड़े दौड़ाती नजर आती है, रंगों के कुछ बिंदु हरियाली के पट पर जहां तहां छिपके हैं, सहसा प्रकाश से नन्ही नन्ही पारदर्शक बूंदें पड़ने लगती है, रंगीन बिंदुओं का पूरा विस्तार एक बार सिकर जाता है और अपने को समेटने लगता है। हरियाली का सपना कुहासे के फूल में बदल जाता है, मैदान सुरमयी आभा ओढ़ लेता है, अब चारों तरफ धुंध ही धुंध है और बेबस होकर फैली पगडंडियों की पतली पतली नरम बाहें जब तक बादल बसेगा बाहें फैली रहेगी ऐसी ही कोमल विस्तृत और निडर। लेखक कहे छे के अहीं गुलमर्गमां तो जाने अपना सपनाओ फूलोनी जेम खीले छे, अहींनी हरियाली अहींनो आकाश एकदम आपणी आंखोने मुक्त करी दे तेवुं छे। અહીંના ફૂલોમાં નવા નવા રંગો, વૃક્ષોની નવી નવી કૂંપણો ફૂટતી હોય તે હર ક્ષણે દરેક વસ્તુ એટલી બધી રોમાંચક કરી દે તેવી હોય છે। અહીં તો જાણે દૂર દૂર નજર પહોંચે ત્યાં સુધી સહેલાણીઓ દેખાયા કરે છે। અહીં સૃષ્ટિમાં નજર કરીએ તો જાણે પ્રકાશમાં નાના એવા પડતા હોય છે કે દરેક વસ્તુને એની સુંદરતા વધારી દે તેવું લાગે છે। સૂરજ ચમકેગા તો ફૂલ મેં સે નયા સપના જન્મેગા, આકાશ મેં બાદલો કે નને નને દીપ ઇધર ઉધર ભટકતે ફિરેંગે, ભેડો ઓર બકરીઓ કે રેવડ પગદંડીઓ પર ટંક જાયેંગે, દિન તબ રાત કી પ્રતીક્ષા કરતા સા પ્રતીત હોગા, રાત આયેગી તો સબ કુછ ખામોશ હો જાયેગા, મેદાન કી વહ ખામોશી થી જો દિન કે સમય ઇતની વાચાલ હો જાતી હૈ, ગુલમર્ગ કી વહ રાત મુજે કભી નહીં ભૂલેગી, મેં હોટલ કી ખિડકી મેં ખડા થા દૂર બહુત દૂર સામને સે બરસતી ઘટા મેરી તરફ બઢતી આ રહી થી, મેં પ્રતીક્ષા
कर रहा था कि कब वह मुझ तक पहुंचे और मुझे अपने में लपेट ले। बरसती घटा में देर जाने से बड़ा सुख मैंने बहुत कम जाना है। घटा ऊपर से गिर आए और व्यक्ति को छोटा करके उस पर छा जाए, यह इससे अलग स्थिति है। इस बार आती हुई घटा का हर संकेत मेरे सामने था और मैं उसके बराबर का होकर अपनी खिड़की में खड़ा उसे बुला रहा था कि आ आ आ, मैं तुझसे कमजोर नहीं हूँ। लेखके अहीं आत्मीयतापूर्वक अहीं वर्णन कर्युं छे अने पोताना अनुभवो विशे अहीं वर्णन कर्युं छे। हवा तेजथी मगर घटा तेजी से नहीं बढ़ रही थी। हालांकि तूफान बहुत उठा था, बार बार जोर की गरज होती थी जिससे धरती और आकाश की सिराएं कांप जाती थी। बार बार सामने के चित्रपट पर बिजली पहुंचती थी और प्रकाश का वह भयानक विस्फोटक हर चीज को नंगा कर जाता था। मैं खुश था कि थोड़ी देर में ये बूंदे मेरे ऊपर बरसेंगी, बिजलियों का यह कवच मेरे ऊपर टूटेगा। मैं बाहें फैलाकर सामने से उसे अपने ऊपर लेने के लिए तैयार था, मगर अचानक हवा रुक गई। बढ़ता हुआ तूफान जहां का तहां ठिठक गया और दूर ही पर कटे पक्षी की तरह दम तोड़ने लगा। बिजली की सांस रुकने लगी और मेरी भी, क्योंकि हवा के रुक जाने से मुझे भी बहुत ऊंचे आसमान से नीचे आना पड़ा था। तूफान का जोर उतर गया और उसके साथ ही मेरा भी, मैं उसके बराबर का कभी नहीं हो सका। वे ऐसे क्षण थे जो जीवन में दो एक बार ही आते हैं। गुलमर्ग में रहते हुए ऐसे क्षण हर किसी के जीवन में किसी न किसी रूप में अवश्य आते होंगे। तभी तो मुदत तक वहां रह चुकने पर भी कोई आकर्षण व्यक्ति को भी फिर खींच कर वहां ले जाता है, वरना वहां है क्या? एक खुला सपाट मैदान जहां ज्यादा गोल्फ खेली जा सकती है। व्यक्ति क्यों बार बार वहां जाना चाहता है? क्या गोल्फ खेलने के लिए ही? लेखक अभी गुलमर्ग की यात्रा वर्णन अभी बधु बताव्यू अने पछी एने विचार आवे छे के शू त्यां लोको मैदान जोवा माटे जाय छे? ना ना, एवुं नथी। त्यांनी